हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज, हम है डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनडीए फन 2021, मतलब एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है 2021 के अंदर, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। मेन तो बच्चों को दो चीज में प्रॉब्लम आती है। एक तो आती है सर एग्जाम डेट क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, और दूसरी मेजर जो बच्चे को जाननी होती है, मेजर बात है, वो है एज लिमिट, कि सर हमारी एज लिमिट ये है तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेनली मैं आप लोगों को इन दो चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको वो चीज पता चलेगी। गोल्डन चांस है उन सभी बच्चों के लिए जो अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं। गोल्डन चांस क्या है, इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन सभी, आप सभी इनको तो पहचानते ही हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो एक लेजेंड थे अपने आप के अंदर, और हकीकत में एक लेजेंड थे, ठीक है ना। मतलब इनका जैसा बंदा दुनिया में ना तो हुआ है और ना ही होगा, ठीक है। इन्होंने एक बात बोली थी कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक द सन। मतलब अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य के जैसे जलना पड़ेगा भाई। और 100% सही बात है, ठीक है। कोई भी अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना कठिनाइयों का सामना किए आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे आपके लक्ष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता, लेकिन आपको उन सभी से ऊपर उठकर उन सभी को फेस करना है और उन सभी को मात देना है, उन सभी को एक एक करके पार करते हुए हमें चलते जाना है। क्लियर? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन डेट क्या क्या रहने वाली है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट आपका एज लिमिट है, ठीक है। और नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, मार्किंग डिस्कस करेंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ वाला, कि एनडीए मैथ का लाइव कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है और वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितने रुपए का वो कोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइज इंपॉर्टेंट डेट की। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है 31 दिसंबर 2020 को, मतलब 31/12/2020 को आपका जो है एनडीए फर्स्ट 2021 का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब आपका एग्जाम फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो एग्जाम के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है हमारी 19 जनवरी 2021, मतलब आपको 20 दिन मिलेंगे, 20 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जाम जो है वो फॉर्म जो है फिल कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट है आपकी 18 अप्रैल 2021, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो 18 अप्रैल 2021 को होने वाला है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है बच्चे कि अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैं तो इस 28 अक्टूबर को ये डेट, लेकिन मैं अगर बड़ी बड़ी बात करूँ 1 नवंबर से लेकर 18 अप्रैल तक लगभग आपके पास 5 महीने 20 दिन टोटल होते हैं, और जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है बहुत है, 5 महीने 20 दिन, ठीक है। अगर सफिशियंट है ये टाइम, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को एनडीए के लिए, आज ही से स्टार्ट कर दो भाई, ये दिमाग में से हटा दो, 3 महीने में हम कर लेंगे, 2 महीने हम कर लेंगे, टाइम अगर बहुत पड़ा है कर लेंगे,
तो भाई कर ले कराने के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद कर दोगे, फिर लास्ट में जाके क्या होगा, भाग दौड़ होगी, दिन रात आपको करना पड़ेगा। इसका इससे बढ़िया कि आप अभी से स्टार्ट कर दो, आपका ही उसमें बेनिफिट है, ठीक है ना। क्योंकि 5 महीने 20 दिन मैं मान के चलता हूँ बहुत ही ज्यादा टाइम है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रोंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी से स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो। दूसरी बात आती है सर एज लिमिट की। दो भाई सीधी सी बात है कि एज लिमिट, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2005 के बीच अगर है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2002 को और 1 जुलाई 2005 को भी है, मतलब अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2002 को है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपका जन्म 2 जुलाई 2002 इस डेट को अगर है तो आप दे सकते हो, इसके बाद अगर है तो आप दे सकते हो, और 1 जुलाई 2005 को अगर आपका जन्म है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, और इससे पहले अगर है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। सीधी सी बात है, सिंपल सी है। अब 2 जुलाई से पहले अगर किसी का जन्म है, मतलब अगर 1 जुलाई 2002 को भी अगर आपका जन्म है ना, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपका जन्म अगर 2 जुलाई 2005 है ना, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं। आपका जन्म इन दोनों के बीच में और इन डेट को भी हम इंक्लूड करेंगे, क्लियर। सिर्फ इतना सा फंडा है एज लिमिट को लेकर, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट बात करता हूँ गाइज मैथमेटिक्स के डिटेल की, ठीक है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल मैथ के लिए है, तो मैथ की कंप्लीट डिटेल मैं आपको जो है इस वीडियो में बता देता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कितना टाइम मिलता है आपको, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, सिलेबस इसका क्या रहता है, और इसको आप तैयार कैसे करोगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, और हर क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन का आपको 2.5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन टोटल हुए, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर, तो टोटल आपके जो है मैथ का जो पेपर है वो आपका 300 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। और इस एग्जाम के लिए आपको कितने टाइम मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे आपको इस एग्जाम के लिए मिलते हैं, ठीक है। एनडीए के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका मैथ का होता है, और पेपर सेकंड जो है वो आपका जीएटी का होता है, ठीक है। जीएटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का पेपर, और 2.5 घंटे आपको एग्जाम करने के लिए मिल गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 33% पर क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 2.5 नंबर का 33% अगर आप निकालते हैं तो आपका 0.83, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो आपके मार्क जो है वो कट जाएंगे 0.83, इतने नंबर आपके जो है वो काट लिए जाएंगे, ठीक, अगर आपने गलत आंसर टिक किया, ठीक है। दूसरा इसको आप देख लो, 2.5 नंबर का अगर आप 1/3 भी करते हैं तो आप कई जगह 33% लिखा आता है, कई जगह 1/3 लिखा आता है, तो 1/3 मतलब 33% ही हो गया लगभग, ठीक है ना बच्चे, 3.33 जो भी है। तो 33% जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, और जीएटी के अंदर भी पर क्वेश्चन 33% नेगेटिव मार्किंग रहता है। उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 4 का 1/3 कर लीजिए, उतने नंबर जीएटी में कटते हैं, और 2.5 का 1/3 कर लीजिए, इतने नंबर आपके मैथ में कटते हैं अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मार्क्स का। दूसरा सर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, हमें तो ये भी बता दीजिए सिलेबस इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो मेनली आपको सभी को वैसे पता है कि मैथ के अंदर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्लास +1 और +2, ये दोनों का आपका सिलेबस आता है। ये चैप्टर्स हैं,
सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बाइनोमियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनरी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वही डिस्टेंस, सारे टाइप के फॉर्मूले आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो और इसमें रेशियो एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक, ठीक है। और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसके अंदर आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता है, सर्कल चैप्टर, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D। और कैलकुलस की अगर हम बात करें तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कई बार एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, ठीक है। एंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इस इंटीग्रेशन में आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों आपके आ गए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, स्टेटिस्टिक्स आता है, ठीक है। तो ये मेन 25 चैप्टर हैं आपके जो एग्जाम के अंदर आते हैं, सिलेबस के, मैथ के एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चे। और इन सभी को देखो, मैं एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, सबसे पहले आप अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपका ऑलरेडी आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले उसको आप अच्छे से कवर कर लो, इतना अच्छे से कवर कर लो कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप उसको चुटकी में कर दो, उसी टाइम कर दो, इतना अच्छा उस चैप्टर को करो, ठीक है। तो ये सारे मेनली इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सारे चैप्टर आपके आते हैं, इन चैप्टर में से कोई भी कहीं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ एपी से रिलेटेड आएगा या जीपी से रिलेटेड आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का कैसा भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी थ्योरम अगर है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैथ का न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है एनडीए फर्स्ट 2021 के लिए, जिसको आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूं। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके रहेगा, बहुत ही बेनिफिट होगा इस बैच को ज्वाइन करने पर। और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये बैच सिर्फ मैथमेटिक्स का है, सिर्फ क्योंकि मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूं और मैं अकेला ही हूं, तो सिर्फ मैथ मैथ के लिए ये बैच है। इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बैच में आप लोगों को मिलने क्या क्या वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखो बैच डिटेल, लाइव क्लासेस पर डे आपको दो लाइव क्लासेस मिलेंगी, पर डे दो लाइव क्लास मिलेंगी। टाइम लाइव क्लास का टाइम है 5 बजे और 7 बजे, याद रखना। दो क्लास होगी, एक तो 5 से 6 और एक 7 से 8, पर डे दो लाइव क्लास। शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी और सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा, बिल्कुल एक एक डिटेल से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको मैं इस बैच के अंदर बताऊंगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। और सैटरडे को हमारा क्या रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। हर शनिवार को 2 घंटे का हमारा डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये बैच ज्वाइन करोगे, आप ऑटोमेटिक एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, जिस ग्रुप में आप पीडीएफ, फोटो वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे डाउट सेशन का डाउट्स आपके जो भी रहेंगे वो उनको क्लियर करेंगे, डाउट सेशन हम लगाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीकली टेस्ट एवरी संडे, हर संडे जो भी मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को करवाऊंगा उसी से रिलेटेड आप लोगों के वीकली टेस्ट होंगे, और ये टेस्ट आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। और ये सारा बैच मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे ज्वाइन करना है और कहां ये आपको बैच मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पीडीएफ, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ चैप्टर वाइज बेसिक कंसेप्ट सब चीजें के आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। डेली क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आपको डेली असाइनमेंट मिलेगी, जो भी चैप्टर मैं करवाऊंगा उससे रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने के लिए घर से दिए जाएंगे डेली, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें हमारे इस बैच में रहेगी। अब ये बैच आपको ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में आते हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे 2010 से लेके 2015, 18, 20 यहां तक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पूरा डिटेल से, सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और प्लस में आप लोगों को मैं आरएस अग्रवाल, ठीक है, पाथफाइंडर, इन सभी के क्वेश्चंस भी लाइव क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और मेरे पास जितने भी बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही बुक्स और है अरिहंत की, मेरे पास जितनी भी बुक्स वगैरह हैं सभी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये मान के चलो कि हम ज्यादा से ज्यादा 3000+ क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके होंगे इस एग्जाम के लिए, इन आरएस अग्रवाल और पाथफाइंडर को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे टोटल ओवरऑल। अगर हम बात करें 5000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, हाउ टू ज्वाइन द बैच। अब बात आती है कि सर ये बैच ज्वाइन कैसे करें। सिंपल है, स्टेप नंबर फर्स्ट कि आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है डिफेंस वाले के नाम से, जो आपको गूगल ऐप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से, आप जाके गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले के नाम से सर्च मार सकते हैं, वहां मिल जाएगी। याद रखना कि डिफेंस वाले के बीच में आपको स्पेस नहीं देना, आपको कंटिन्यू डिफेंस वाला लिखना है, आपके पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है उसमें तो ये चलेगा ही चलेगा। अगर आपके पास आईएसओ वर्जन है, मतलब आपके पास अगर आईफोन है, तो उसके अंदर भी ये आपका चलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर से लॉग इन कर लेना, देन आपको स्टार्ट जाना है स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर आपको जाने के बाद आपको वहां कोर्स मिलेगा मिलेगा लाइव प्लस प्लस मिशन एनडीए 2021 मैथ का फुल डिटेल कोर्स, जिसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहां बाय नाउ लिखाएगा, वहां से आपको पेमेंट करके उसको ज्वाइन कर लेना है। अब सर पेमेंट तो हम कर देंगे, दूसरी कि सर कोर्स की फीस कितनी है जरा हमें ये भी बता दो। तो बच्चे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फीस स्ट्रक्चर मैंने आप सिंपल सी, कुछ ज्यादा फीस नहीं रखी है बच्चे, 1000 रुपये मैंने फीस रखी है। और ये कोर्स जो हमारा होगा 18 अप्रैल को एग्जाम होगा, तो 18 अप्रैल तक ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 1000 रुपये में। सिर्फ 1000 रुपये में आप 5 महीने 20 दिन इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने यहाँ डेट लिखना भूल गया मैं, कि ये कोर्स जो है वो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से, 1 नवंबर को हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको पहले भी और चलो मैं पहले ये बता देता हूँ कि 18 अप्रैल तक आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, और इस कोड को आप यूज करके 50% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मतलब आपका ये कोर्स 500 रुपये में एनरोल हो जाएगा फिलहाल, अगर आप आज की डेट में या 31 अक्टूबर से पहले पहले करते हैं। अब अगर कोई बच्चा ये वीडियो बहुत टाइम बाद में देख रहा है, जैसे 10 दिन बाद, महीने बाद, या आपने ये वीडियो दिसंबर में देखा, तो बच्चे ऐसा मत सोचना कि अब आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ना कुछ ऑफर मेरा इस कोर्स पे चलता रहता है, तो आप लोग मेरे से फोन करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे, दोनों मेरे नंबर है, दोनों पे कॉल करो, पूछो कि क्या सर कोई ऑफर चल रहा है। और दूसरा, अब जब आप स्टोर में जाके इस कोर्स को ओपन करेंगे तो वहां भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इस कोर्स पे कोई ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये सारी डिटेल है, 1000 रुपये का कोर्स है, लेकिन इस कोड को यूज करने पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 500 रुपये का 18 अप्रैल तक भाई आज की डेट में कर लो एनरोल। अब एक कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि सर हमें ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी या नहीं। बिल्कुल मिलेंगी मेरे बच्चे, ऑफलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपकी रहेगी, जो भी लाइव क्लास रहेगी उसको आप बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बैच हमारा स्टार्ट हो गया 1 नवंबर को, और आपने ज्वाइन किया 1 दिसंबर को, तो 1 महीने क्लासें चलते हुए हो गई। तो जो बच्चा 1 दिसंबर को ज्वाइन करेगा उसको भी ये पीछे वाली सारी क्लासेस मिल जाएंगी ऑफलाइन रिकॉर्डेड, जिसको वो कवर कर सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डेट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, उस डेट से पहले जितनी भी क्लासेस हो गई होंगी वो सारी क्लासेस आपको इस बैच में मिल जाएंगी, उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उसी दिन से आपकी क्लास देख पाओगे, उससे पहली वाली क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आज के आज डेट में आप इस कोर्स को एनरोल कर लो भाई, 500 रुपये में कहीं नहीं मिलने वाला है फुल कोर्स। और दिमाग में बच्चों के ये चीज़ होती है कि सर कोर्स की फीस तो बहुत कम है, तो इसका मतलब आप कम करवाओगे, तो ये मत मान के चलो भाई। ठीक है ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो मान के चलो कि एक पेड़ के दो सेब अगर हैं, मान लेते हैं कि एक सेब का रेट 10 रुपये है। देखो एक ही पेड़ के दोनों सेब हैं, लेकिन एक 10 रुपये का एक सेब है, लेकिन अगर दूसरे सेब के ऊपर सिर्फ पर्ची चिपका दी जाए, समझ गया ना कौन सी पर्ची, आप गए होंगे मार्केट में, तो उस एक पर्ची की वजह से उस सेब का रेट बढ़ जाता है, तो वो सेब 20 रुपये का हो जाता है उस एक पर्ची की वजह से। दोनों एक ही पेड़ के सेब हैं, पहले पर्ची के बगैर दोनों का रेट 10 रुपये है, लेकिन एक सेब पे पर्ची लगा दी गई तो उसका रेट 20 रुपये हो गया जस्ट उस पर्ची की वजह से। लेकिन चीज क्या है, क्वालिटी क्या है, सेम है मेरे बच्चों। तो ये मत सोचना कि कम पैसे हैं तो हमें कम पढ़ने को मिलेगा या ऐसे वैसे ही टाइम पास करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 500 रुपये अगर आप पे कर रहे हो तो आपको लगेगा कि 500 रुपये भी कम है इतनी सब चीजों के लिए। ठीक है, और ये हमारी एप्लीकेशन इस टाइप से दिखेगी, जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और स्टोर में जाके कोर्स को एनरोल कर लो अभी से, क्योंकि 1 नवंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, हरी अप, अभी के अभी जाओ जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो एप्लीकेशन को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया मेरे को, आप काफी सपोर्ट कर रहे हो, काफी प्यार दे रहे हो। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो बेझिझक बच्चे, आपको मेरे नंबर पे आप कॉल करो, मेरे को ईमेल करो बेझिझक, मेरे को आप भाई की तरह ट्रीट करो, बड़ा भाई मान के चलो, सर मान के मत चलना। आप जैसे अपनी फैमिली से भाई से बात करते हो वैसे बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो। ठीक है, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है फोन करके पूछ लो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही फोन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मैं फोन उठाता हूँ, सभी को बच्चों को पता ही है वैसे तो। ठीक है, और सभी का डाउट भी क्लियर करता हूँ, सभी को पता है। चल तो कई बार जैसे फोन अगर ना भी उठाएं, क्योंकि अगर क्लास में अगर मैं हूं तो फोन नहीं उठा सकता, अगर क्लास में नहीं हूं तो फोन मैं पक्का उठाऊंगा। ठीक है, और नहाते टाइम भी नहीं उठा सकता, इतना तो आपको पता ही है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट बैच में। और YouTube की अगर मैं बात करूं तो YouTube पे सुबह 9 बजे क्लास तो होती होती है भाई। ठीक है, YouTube पे कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है कि YouTube वाले बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। YouTube पे भी क्लासें सुबह 9 बजे हमारी चलती रहेंगी। क्लियर, तो इस बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मेन बेनिफिट आपका है इस बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि अगर साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ के साथ आपके टेस्ट होते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि कितना मैं इस सब्जेक्ट या इस चैप्टर को लेकर मेरे को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना मैं धीरे धीरे मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, साथ के साथ वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट बैच की क्लास में और यूट्यूब की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।